हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉम दीपिकास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाद जो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो सुना आवाज़ आपने, हम बनाने जा रहे हैं आज कॉर्न के कबाब। कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची कबाब बने हैं। मानसून का टाइम स्टार्ट हो चुका है, मार्केट में बहुत ही फ्रेश फ्रेश स्वीट कॉर्न भुट्टे वगैरह मिल रहे हैं। तो बारिश का मौसम है और इस तरह का खाना हमें बहुत पसंद है ना। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है वो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। आप नॉर्मली जो भुट्टा आता है उसके दाने भी निकाल सकते हैं जो हल्के से कड़े होते हैं, और उसको ना 3-4 सीटी जो है वो प्रेशर कुक कर लें, उसके भी जो कबाब हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट लाइक इस तरह का हमें दरदरा पेस्ट बनाना है दोस्तों। अगर बारीक पेस्ट बनाएंगे ना तो कबाब में वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ले लिया एक मिक्सिंग बाउल। कबाब बनाने के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें इस मिक्सिंग बाउल में मिक्स करना है। तो जो क्रश किए थे कबाब उसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया था और बहुत अच्छी तरह से मैश किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर एक बाउल जो है वो ब्रेड क्रम ले रहे हैं। नॉर्मली आपके पास कोई भी ब्रेड हो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, फटाफट से आपका ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे भी यहाँ पर डाल देते हैं हम, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ बारीक कटी हुई प्याज जाएगी। तो सारी चीज़ें बहुत फाइन चॉप होनी चाहिए, बहुत बारीक कटी हुई। और यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जाएगी। आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीन्स वगैरह। अब यहाँ फाइन चॉप किया हुआ अदरक जाएगा, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई जो है वो हरी मिर्च जाएगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे हम। अब हमारे कबाब को बहुत अच्छी बाइंडिंग मिले तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च, जिसे कॉर्न फ्लावर भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ जाएगा आधा कटा हुआ नींबू का रस, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आएगा। टेस्ट इन्हेंस हो और बाइंडिंग अच्छी आए, यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हम बेसन डाल देंगे। और फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया जाएगा। आप बेसन की जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से मैंने काली मिर्च को क्रश कर लिया था, उसका पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, आधी टेबलस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, और अब यहाँ पर जाएगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉर्न मैंने बचा लिए थे वो भी डाल देंगे हम और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर देंगे और अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को ना हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर डो तैयार हो गया है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से, और आपको जो शेप अच्छी लगे आप कबाब की बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डो ले लेती हूँ और हाथों की हेल्प से शेप देते हुए यहाँ पर मैं सिलेंड्रिक शेप का जो है वो कबाब बना रही हूँ। साफ सरफेस में इस तरह से शेप देते हुए सिलेंड्रिक शेप का कबाब, यहाँ पर एक कबाब बनकर तैयार है। आप अपने मनपसंद का कोई भी कबाब बना सकते हैं कोई भी शेप देकर। और यहाँ पर एक कबाब बनकर तैयार हो गया, चलिए दूसरा बनाते हैं हम। तो ये इस तरह से हेल्प से हाथों की यहाँ पर दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सिलेंड्रिक शेप के कबाब बनाए और थोड़े से गोल टिक्की वाले बनाए हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए दोस्तों, हमारे कबाब अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल हमारा गर्म है। इस प्रोसेस को हमें मीडियम फ्लेम में करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम में हमें नहीं करना है। तो चलिए कबाब डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, अगर तेज़ रहेगा तो ऊपर ऊपर से कबाब पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कबाब को डालते से ही चम्मच ना चलाएं, थोड़ा सा उसे फ्राई होने दें उसके बाद चम्मच चलाएं।
और इस तरह से चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऐसे अभी हम और फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा फ्राई करेंगे तब परफेक्ट कलर आ जाएगा हमारे कबाब का। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कलर आ चुका है, बिल्कुल यही कलर चाहिए था हमें और बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे, देखिए लग रहे ना कितने क्रिस्पी क्रंची कबाब। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच डाल दिया और इसे भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए इसे भी जो है वो हम निकाल लेते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सर्व किया है दोस्तों। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये देखिए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस मॉनसून इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली के साथ इसे ज़रूर इंजॉय करेगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जैसे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।